Asus HZ सीरीज की इंडिया लॉन्च डिटेल्स, Amazon की नई सेल, OnePlus इंडिया की मिस्टेक, उसके अलावा और भी काफी सारी टेक न्यूज आज मैं आपके लिए लाया हूँ। सो हे गाइस, मेरा नाम है ब्रिज और टेक न्यूज एपिसोड 536 में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज की बात करें तो पहली न्यूज है पोको की तरफ से। तो पोको इंडिया के हेड ने आज एक इंटरव्यू के अंदर ऑफिशियली टीज किया है कि पोको F3 GT स्मार्टफोन इंडिया में जुलाई एंड से पहले ही लॉन्च हो जाएगा। और दोस्तों, कुछ रिपोर्ट से ऐसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में 26 या फिर 27 जुलाई तक लॉन्च हो सकता है इंडिया में। और दोस्तों, पोको इंडिया ने आज पोको F3 GT स्मार्टफोन का एक और नया टीजर भी शोकेस किया है। और इस टीजर से पोको ने OnePlus को इनडायरेक्टली ट्रोल किया है। ये टीजर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और अगर आपको अभी भी पता नहीं चला कैसे ट्रोल किया तो मैं आपको बता दूं कि OnePlus Note 2 स्मार्टफोन की टैगलाइन है कि प्रीटी मच एवरीथिंग यू कुड आस्क फॉर। और इस पोको के नए टीजर में लिखा है प्रीटी मच एवरीथिंग यू कुड आस्क फॉर एंड अ लॉट लॉट मोर, यानी कि इनडायरेक्टली पोको वाले ये कह रहे हैं कि पोको F3 GT स्मार्टफोन OnePlus Note 2 के कंपेयर में काफी बेटर होने वाला है। कौन सा स्मार्टफोन बेटर होगा वो तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। क्या आप लोग पोको F3 GT स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो या फिर OnePlus Note 2 स्मार्टफोन के लिए? इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन से स्मार्टफोन के लिए आप लोग ज्यादा एक्साइटेड हो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, OnePlus की बात चल ही रही है तो अगली न्यूज भी OnePlus के बारे में ही है। तो OnePlus के ट्विटर हैंडल पर OnePlus के स्मार्टफोन्स के प्रमोशन होते हैं वो तो हम सभी लोगों को पता है, लेकिन कल रात को OnePlus के कुछ एम्प्लॉइज ने OnePlus इंडिया ट्विटर हैंडल पर Samsung Galaxy Note 20 Ultra को प्रमोट कर दिया था। और दोस्तों, ये ट्वीट देखकर तो मुझे काफी हंसी आई, क्योंकि Samsung वाले सोच रहे होंगे कि उनको अब इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा मार्केटिंग में, क्योंकि OnePlus अब Samsung की प्रमोशन फ्री में करने वाला है। ये सब थी मजाक की बात, लेकिन इस ट्वीट के लाइव होने के कुछ समय बाद ही OnePlus ने ये ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन काफी सारे लोगों को पता चल गया, इसीलिए काफी सारे लोग इसकी खिंचाई कर रहे हैं, OnePlus की खिंचाई हो रही है इस ट्वीट की वजह से। आपको ये न्यूज कैसी लगी वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस, कल की टेक न्यूज के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि Motorola Edge 20 स्मार्टफोन Motorola यूरोप मार्केट में काफी जल्दी लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों, आज रिपोर्ट से ऐसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में अगस्त स्टार्टिंग से पहले लॉन्च हो जाएगा। और ऐसी भी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में 22 या फिर 23,000 रुपीस की प्राइस पर लॉन्च होने वाला है। और अगर ये स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन काफी अच्छा स्मार्टफोन कहलाएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है कि इस स्मार्टफोन में हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा, यहाँ पर OLED डिस्प्ले, और ऐसी भी जानकारी मिली है कि इस स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, Amazon ने आज अपनी नई सेल की डेट अनाउंस की है। Amazon की नई सेल 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, और इस सेल का नाम होने वाला है प्राइम डे सेल। ये सेल सभी लोगों के लिए नहीं होने वाली, ये सेल उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया है। और अगर आपके पास Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो इस सेल में आपको काफी बड़े बड़े डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। सो गाइज, Asus इंडिया के CEO ने आज ऑफिशियली कंफर्म किया है कि Asus HZ सीरीज इंडिया में वो लोग काफी जल्दी लॉन्च करने वाले है। Asus HZ सीरीज Asus Zenfone सीरीज ही होने वाली है। Asus Zenfone 8 सीरीज जो यूरोप मार्केट में लॉन्च हुई थी वो इंडिया में Asus HZ सीरीज के नाम से लॉन्च होने वाली है। और दोस्तों, ऐसी जानकारी मिली है कि Asus HZ Flip एंड Asus HZ ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में जुलाई एंड से पहले लॉन्च हो जाएंगे। और ऐसी जानकारी मिली है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स 50,000 से कम की प्राइस पर लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में। तो क्या आप लोग Asus HZ एंड Asus HZ Flip के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, Xiaomi ने आज ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 12 जुलाई को Xiaomi अपना एक नया फास्ट चार्जर इंडिया में लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों, इस चार्जर के प्रोडक्ट पेज से ये कंफर्म हो जाता है कि ये चार्जर Xiaomi का 67 वोल्ट का चार्जर होने वाला है, जो कि इंडिया में 12 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा। और दोस्तों, आज की आखिरी न्यूज है गूगल के बारे में। तो गूगल के अपकमिंग स्मार्टफोन्स गूगल पिक्सल 6 एंड गूगल पिक्सल 6 प्रो स्मार्टफोन, इन दोनों स्मार्टफोन्स के थोड़े स्पेसिफिकेशंस ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। और दोस्तों, ये स्पेसिफिकेशंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, लीक्स की माने तो ये दोनों स्मार्टफोन्स अगस्त के महीने में गूगल लॉन्च करने वाला है। तो क्या आप लोग गूगल के नए स्मार्टफोन्स के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।
तो दोस्तों आज की टेक न्यूज खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।